सामान्य रूप से लोग मानते हैं, हम सब यही मानकर चलते हैं कि 100 वर्ष मिल जाए जीने के लिए, 100 वर्ष मिल जाए, 100 साल तक जीवित रहना, इसको हम सब जीवन की पूर्णता मानते हैं कि 100 साल जीवित रहकर गए, 100 साल पूरे किए। लेकिन इस शरीर में 100 साल तक बने रहना, जीवित रहना, शिव महापुराण इसको जीवन की संपूर्णता नहीं मानता। जीवन की संपूर्णता वो है कि जो जब तक रहे, चाहे 20 साल 40 साल 50 साल जितना भी रहे, लेकिन जीवन के दौरान वैचारिक यात्रा करते हुए यदि हम अपनी शिवलिंग का अनुभव कर लें, हम अपने आधार का अनुभव कर लें, वास्तव में आधार वही है कि नींद लगने के बाद भी जो हमको मरने नहीं देता, हमारी सांसों को जो चलाता है, वो ही वास्तविक आधार है। अन्य सभी आधार मिलकर मिटने वाले आधार होते हैं, लेकिन नींद में भी हमारी सांसों को चलाने वाला जो मूलाधार है वो जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन मिलने के बाद कभी मिटता भी नहीं है, वो मिलकर मिला हुआ रहता है, वो शिवावधार, वो शिवाधार है। एक अर्थ में शिव पूजा में जो धारा का महत्व है, लोग कहते धारा अखंड रहनी चाहिए, अभिषेक करते हैं, धारा का महत्व है। इसका कारण है कि वही तो धार है, वही आधार है, जो आधार है उसमें हमारी वैचारिक धारा अखंड हो जाए तो जीवन संपूर्णता की ओर जा सकता है। जो वास्तव में हमारा आधार है, उस दिशा में हमारे विचार की धारा निरंतर हो जाए, ये महाअभिषेक है। जल से, दूध से, गंगा जल से, गन्ने के रस से, कई प्रकार से अभिषेक किया जाता है, कई धाराओं से अभिषेक होता है शिव का, लेकिन महाधारा से, महादेव का अभिषेक हो जाए और वो महाधारा से महादेव का अभिषेक इसको कहेंगे, जब उस मूल आधार की ओर हमारी वैचारिक धारा निरंतर हो जाए। सदा सेविया, सदा सेविया, सदा सेविया, विशेषतः विशेषतः प्रत्येक घटना में उसकी कृपा का अनुभव करें, प्रत्येक उपलब्धियों में उनकी करुणा का दर्शन करें, प्रत्येक घटना में उनकी मौजूदगी को समझने का प्रयास करें, इस प्रकार अविरत अभिषेक होता है। महादेव का महाअभिषेक वस्तु के द्वारा नहीं होता, विचारों के द्वारा होता।